दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी प्लेइंग 11 बदल डाली है। सारे नए खिलाड़ियों को उठाकर बाहर फेंका और जिसने खराब खेला उसे तीसरे वनडे से बाहर का रास्ता दिखाया है। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का प्रयोग उसी पर भारी पड़ गया, मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं जो सीनियर प्लेयर है उनको तीसरे वनडे में मौका दिया गया जिससे वो श्रृंखला को जीत सके। बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों, टीम इंडिया का प्रयोग उसी पर भारी पड़ गया। टीम को बारबाडोस के ओवल मैदान में 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। इस हार के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 बराबरी पर आ गई है। वहीं अब तीसरा वनडे बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये 1 अगस्त को सैन फ्रांसिस्को में खेला जाएगा और जो टीम जीत हासिल करेगी वो श्रृंखला भी जीतेगी। वहीं टीम इंडिया पहले वनडे से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तब रोहित शर्मा 7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे, कोहली की बैटिंग ही नहीं आ पाई थी। वहीं दूसरे वनडे में दोनों ही सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, जिसका नतीजा यह रहा कि दूसरे वनडे में भारत को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं दूसरे वनडे मैच में हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई, मगर वे खड़े नहीं उतरे। टीम में संजू सैमसन और अक्षर पटेल को मौका मिला और अक्षर पटेल नंबर 4 पर बैटिंग करने आए, जबकि पहले वनडे में तीसरे नंबर पर उतरे सूर्य कुमार को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारा गया। इन सभी का एक्सपेरिमेंट करने से भारत को कोई फायदा नहीं मिला। वहीं संजू सैमसन और अक्षर पटेल को मौके का फायदा नहीं उठा पाए दूसरे वनडे में। भारत का मिड ऑर्डर पूरी तरह से फिलाप रहा। रोहित शर्मा और कोहली लंबे समय से टीम के लिए बैटिंग ऑर्डर को संभाले हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में टीम इंडिया पूरी तरह से फिलाप रही और टीम बिखर गई, जिसकी वजह से भारत को दूसरे वनडे में 6 विकेट से शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। मगर अब कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे में कोई गलती करना नहीं चाहेंगे। तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में दोनों ही सीनियर खिलाड़ी की वापसी होगी। वहीं इस प्लेइंग 11 में होंगे भयंकर चौंकाने वाले बदलाव। जिसने अब तक खराब प्रदर्शन किया उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं तीसरे वनडे में भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए आएंगे, जो इस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 1 पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन खेलेंगे, जो लगातार 3 अर्धशतक ठोके हैं। जहां ईशान किशन ने पहले वनडे में 52 रन बनाए थे, वहीं दूसरे वनडे में 55 रनों की शानदार पारी खेली थी। ईशान किशन अब तक 107 रन बना चुके हैं। जिस तरह से वे बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को। नंबर 2 पर कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे, दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद बहुत ही गुस्से में है और तीसरा वनडे जीत कर श्रृंखला अपने नाम करना चाहेंगे। वहीं रोहित शर्मा अपनी पुरानी लय हासिल कर लिया, ऐसे में लग रहा है कि हेडमैन अपनी पुरानी फॉर्म में आ गए हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, रोहित शर्मा अपनी पुरानी लय हासिल कर लेते हैं तो किसी भी गेंदबाज को रोकना मुश्किल होगा और बॉलर को आउट करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। रोहित शर्मा लगभग 10,000 रन बना चुके हैं, जिसमें 48 अर्धशतक, 30 शतक और वनडे फॉर्मेट में इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए, जो आज तक कोई भी खिलाड़ी इनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। नंबर 3 पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे, रोहित शर्मा इनको एक और मौका देंगे। जिस तरह से वो गिल का बल्ला टेस्ट और वनडे में खामोश रहा उससे भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं शुभमन गिल के ऊपर अब प्रेशर होगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी पुरानी लय हासिल कर लें, जिससे वो सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। नंबर 4 पर विराट कोहली खेलेंगे, विराट कोहली इस समय वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने इस साल गजब का प्रदर्शन किया, क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट खूब रन बनाए हैं। बात करें कोहली की वनडे कैरियर की, तो 275 वनडे मैचों में 57.32 की शानदार औसत से 12,898 रन बनाए, जिसमें 65 अर्धशतक और 46 शतक ठोके, जो एक रिकॉर्ड है। नंबर 5 पर बड़ी ही कंफ्यूजन बनी हुई है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव दोनों ही मैच में फिलाप हुए। वहीं संजू सैमसन को एक मौका मिला मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। रोहित शर्मा संजू सैमसन को एक और मौका देंगे, संजू इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। नंबर 6 पर भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या खेलेंगे, ये हरफन मौला खिलाड़ी ये बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन करते हैं। अब तक 76 मैचों में 1596 रन बनाए और 73 विकेट भी लिए, जो बतौर ऑलराउंडर कमाल के आंकड़े हैं। नंबर 7 पर भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। जडेजा अब तक 176 वनडे मैचों में 2500 से ज्यादा रन बना चुके हैं और 194 विकेट लिए, जो बतौर ऑलराउंडर गजब के आंकड़े हैं। नंबर 8 पर ऑलराउंडर साधु ठाकुर खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने बल्ले से निचले क्रम में महत्वपूर्ण 16 रन बनाए थे, वहीं बॉलिंग में 3 विकेट लिए थे, जो बतौर ऑलराउंडर गजब के आंकड़े हैं। नंबर 9 पर बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे, जिन्होंने पहले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला था उन्हें। वहीं दूसरे वनडे में काफी किफायती गेंदबाजी की थी, उन्होंने 8 ओवर में मात्र 30 रन दिए थे और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था। नंबर 10 पर फास्ट बॉलर मुकेश कुमार खेलेंगे, जिन्होंने पहले वनडे मैच में डेब्यू किया था और बढ़िया गेंदबाजी की थी। नंबर 11 पर फास्ट के सौदागर उमरान मलिक खेलते हुए नजर आएंगे, अपनी फास्ट गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को वो रन बनाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों यही वो 11 खिलाड़ी हैं जिनको तीसरे वनडे मैच में खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों दोनों टीमों के पास करो या मरो वाला मुकाबला होगा, जो जीतेगा वही सीरीज अपने नाम करेगा। वैसे दोस्तों आप
आपको क्या लगता है भारत सीरीज जीत पाएगा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और क्रिकेट की ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।